अद्वैत ज्ञान के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईश्वर कोई अन्य नहीं, हमारी आत्मा ही है। गुरु अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता में ये बताया है कि हमारी गलती ही यही है कि हम दृष्टा किसी और को समझते हैं। असल में दृष्टा हमारी आत्मा ही है, अर्थात ईश्वर हमारी आत्मा ही है। हमारी गलती ही यह है कि हम ईश्वर किसी और को, अन्य को समझते हैं, अपनी आत्मा को नहीं। आत्मज्ञान प्राप्त होने के पश्चात आत्मा, परमात्मा या ईश्वर एक ही है, कोई अन्य नहीं, कोई और नहीं कि जिसको हमें जानने का प्रयास करना पड़े। ईश्वर हमारी आत्मा ही है, सब कुछ आत्मा ही है, सब कुछ एक ही है, तभी तो एक ईश्वरवाद संभव है। सभी धर्मों में ये बताया गया है कि एक ईश्वरवाद करो, लेकिन शुद्ध रूप से हमें साफ साफ तौर पे कहीं पर यह नहीं साफ बताया गया कि आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही परमात्मा है। हाँ, सब जगह थोड़े थोड़े अंशों में इस चीज का जिक्र जरूर किया गया है। सभी धर्मों में अष्टावक्र जी गुरु ने साफ साफ कह दिया है कि आत्मा ही परमात्मा है। उन्होंने तो आत्मा को भगवान आत्मा नाम से संबोधित भी किया है। जैनिज्म में भी आत्मा को भगवान आत्मा नाम से संबोधित किया है। उसी तरह गुरु दत्तात्रेय जी ने आत्मा का यही वर्णन किया है कि आत्मा ही गुरु और ईश्वर है। तो दोस्तों, आज के आत्मज्ञान के लिए यही है, सच है कि आत्मा ही ईश्वर है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि घड़े के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश एक ही है, उसी तरीके से आत्मा और परमात्मा एक ही है, सर्वव्यापी है। बाय।